हिमाचल प्रदेश प्रकृति के आंचल में बसा प्रदेश, जिसके प्राकृतिक नजारों की तरफ सैलानी या पर्यटक ही नहीं बल्कि दूर दराज विदेश से प्रवास भरते हुए ये पंछी भी हिमाचल के मेहमान बनते हैं। तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर वेटलैंड साइट पौंग बांध की हैं, जहां इस बार इन विदेशी और देशी मेहमानों के आंकड़े में वृद्धि हुई, तो वहीं बोटिंग पॉइंट सुगनारा के पास तो नई प्रजाति की बत्तख को देखा गया। कुल 59 विदेशी प्रजातियों के पंछी और 25 से ज्यादा देशी प्रजातियों के पंछियों ने ठंड और बर्फबारी के मौसम में यहाँ अपना आशियाना बनाया। पहली बार एक नया पक्षी जो है वो देखा है, जिसको लॉन्ग टेल्ड डक कहते हैं, वो आज दिन तक कभी भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो सुगनाड़ा के बोटिंग पॉइंट के पास रिपोर्ट किया गया है। तो इससे ये लगता है कि यहाँ जो वातावरण है उसमें बहुत सुधार हुआ है और खाना इतनी अच्छी मात्रा में आ रहा है, मैसेज फार एंड वाइड जा रहा है कि नई प्रजातियाँ भी आने शुरू हो गई हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में संख्या डेफिनेटली बड़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। दरअसल दूर दराज के देशों और इलाकों से आने वाले इन विदेशी परिंदों की मनपसंद जगह है ये पौंग जलाशय, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम और भरपूर मात्रा में खाना का होना। पिछले वर्ष जो गणना हुई थी उसमें 1,10,000 के आसपास पक्षी पाए गए थे, और इस बार जो है ये संख्या बढ़ गई है। इस बार 1,17,000 के आसपास पक्षियों की गणना हुई है, और जो हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज है पौंग डैम में वो है बार हेडेड गूस, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है उसकी संख्या में भी। और सबसे ज़्यादा रिमार्केबल बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है जो नॉर्दर्न पिन टेल है, उसकी संख्या पहले 4,500 थी और इस बार जो है वो 15,000 को 16,000 को टच कर रही है, मतलब 15,000 क्रॉस कर गई है। तो ये एक बहुत अच्छी वो है कि बार हेडेड गीज तो उसका तो पसंदीदा ये क्षेत्र है ही है, लेकिन अब जो है वो पिन टेल जो है वो भी ज़्यादा संख्या में आ रही है। कुछ ऐसा ही आलम दिखाई पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित आसम वेटलैंड पर, जिसे बर्ड्स वॉचिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रजाति का प्लास ईगल भी पाया जाता है, जो शिकार करने में बेहद माहिर होता है और उसे यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होती। वहीं कई प्रजातियों के दूसरे पंछी भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं यहाँ पहुंचने वाले सैलानियों के लिए। अब तक यहाँ पर 358 प्रजातियों के परिंदों की मौजूदगी दर्ज की गई है, लेकिन वाइल्ड लाइफ से जुड़े जानकारों का कहना है कि प्लास ईगल की मौजूदगी और बेहतरीन प्रजातियों के पंछियों के जमावड़े का बेहतरीन नजारा होता है यहाँ। जबकि चिंता की बड़ी बात यह है कि प्लास ईगल की मौजूदगी दुनिया भर में बेहद कम है। अब बदलते तापमान के चलते जहाँ पौंग डैम से परिंदों का लौटना शुरू हो गया है, तो वहीं आसम वेटलैंड यानी बर्ड्स वॉचिंग पैराडाइज में अभी भी पूरे तरीके से रौनक बनी हुई है और ये यहाँ अभी कई महीने बरकरार रहेगी, ऐसी उम्मीद वाइल्ड लाइफ से जुड़े जानकार और वन्य विभाग में काम कर रहे लोग जता रहे हैं। कांगड़ा से राहुल चावला और पांटा साहब से अक्षय गिल के साथ डेस्क न्यूज, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।